तो आज का दिन एकदम मस्त है, धूप है, एकदम धूप वाला दिन, और उसमें एक प्यारी सी हाइक, तो मज़ा आ जाएगा, चले बस नीचे के लिए बता रहा है, बट यहाँ से नीचे हो ही जाएगा। तो हमें शायद मैप में हमने देखा तो हमें साउथ की ओर चलना है, तो हमें इस साइड को चलना होगा और फिर जाके हम एक आगे वाली पहाड़ी पर पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हमें डाउन जाना है। 5-6 किलोमीटर का रास्ता हो सकता है ये जहाँ पर हमें जाना है, और बाकी डिपेंड करता है कि अगर हमें आगे पीछे और जाना है या फिर क्या किस टाइप की एक्टिविटी करनी है। फिलहाल हम आगे की तरफ, वहाँ पे हमें बाघ दिखा, मतलब दिखा नहीं, उसकी साउंड सुनी हमें, बिल्कुल पास से आई। अभी हम फैसला ले रहे हैं भाई, करें क्या हम, मतलब ऑलराइट, चाकू हाथ पे पकड़े रखें। हाँ थोड़ा एक बार फिर से मैप देखें, एक बार मैप देखते हैं फिर से। इस रास्ते सीधा इधर से इधर यहाँ जाना है, सामने वाली चोटी पे जाना होगा हमें, इस वाली चोटी पे, ये वाली चोटी, मतलब सॉरी इस चोटी पे। देखते हैं, आ जा। एक स्पॉट हमें मिला है दोस्तों, कैंपिंग स्पॉट, बहुत अच्छा हो सकता है। पानी है इधर आसपास? पानी नहीं, ख़राब पानी है। पीछे बहुत घना जंगल है, पीछे बहुत घना जंगल है यहाँ पे, और पीछे एक बाघ भी है। एक तो हमें, एक की तो आवाज़ सुनाई थी, हो सकता है और भी हो सकते हैं। चिड़िया कैसे कर रही है? वही तो, सन्नाटा छा चुका है। थोड़ी सी अगर बीच में खुली जगह मिल रही है ना तो बड़ा सुकून मिल रहा है, पर भाई बहुत ही ज्यादा, यहाँ लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा ट्रॉफी भी खा रखी है। खतरनाक जंगल है, डेंस बिल्कुल ना, डांडा मतलब घने जंगल, तो डांडा है भाई ये। ये जो रास्ता है ना, तो ये रास्ता पहले पीट सैंड से और जसपुर खाल वाला जो इलाका है, तो ये देवलू थापला जसपुर खाल का जो पूरा इलाका है उसको कनेक्ट करने का ये पहले का रास्ता था। लगभग 6 या 7 किलोमीटर का हो गए, ज़्यादा भी होगा, 8 से भी ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और अभी अगर हम गाड़ी से घूम के जाएंगे तो हमें लगेगा 20 थैलीसैन, फिर वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर तक पड़ जाएगा हमें गाड़ी से बिल्कुल घूम के ना। और ये रास्ता 7-8 किलोमीटर है, और रास्ता ऐसा है ना कि भाई कोई अगर माउंटेन वाली बाइक या साइकिल लेके आएगा ना, आराम से चल लेगा। और अभी मैं ऊपर की साइड पे जाना है जहाँ पे थोड़ा सा खुला खुला जंगल है। हमने रास्ता थोड़ा लॉन्ग ले लिया क्योंकि वहाँ पे जो बाघ वाला इंसिडेंट हुआ था उसके चक्कर में हमने लॉन्ग रास्ता लिया, बट या हमें यहाँ से ऊपर के लिए चलना पड़ेगा। चल हाँ, ऊपर का रास्ता लग रहा है। हाँ तो सारे रास्ते ऊपर जा रहे हैं, हम कहीं से भी जाएंगे ना हम टॉप पे पहुँचेंगे उस साइड की, मतलब जहाँ पे हमें खुले जंगल दिख जाएंगे मैप मैप के अनुसार। मतलब भाई बहुत गहरी गुफा है, और यहाँ पे भी एक ही किसी जानवर का हो सकता है। भाई लोकेशन मजेदार है। थोड़ा सा और हाइक ऊपर तक, देन उससे डाउन, कि जैसे थोड़ा सा खुली सी जगह आ रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह व्हाट अ लोकेशन, और फिर भयंकर ऐसे जंगल आ रहे हैं ना तो फिर आफत आ जा रही है एकदम से, कि क्या करें। मतलब रास्ता हम थोड़ा सा मैप से देख रहे हैं कि हमें जो ये पहाड़ों के बीच से एक नदी बह रही है उसके सहारे पे जाना है, और ये है वो नदी, छोटा सा नाला जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये निकलेगा। अब हमें इसके सहारे जाना है, सीधा इसके सहारे। अरुण अब हमें इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, अब हमें इसके सहारे जाना है। मैन वर्सेस वाइल्ड का नया एपिसोड आ चुका है। थोड़ा वो भी है, कच्चे भी हैं, हाँ वो इसमें कमी रखना, कच्चे हैं थोड़ा से। इन्होंने काफी गलत रास्ता चुना वैसे। नहीं, रास्ता ठीक है। ओ भाई भाई भाई
मतलब गाइस आप इस पे मूनवॉक कर सकते हो आराम। हाँ हाँ, काफ़ी फैसिनेटिंग है। एक दो किलोमीटर तक लगभग ऐसी बिल्कुल मैदानी इलाके दोनों पहाड़ियों के बीच में, यहाँ पे पानी आता होगा ना किसी टाइम पे ज़्यादा, तो उसके कारण यहाँ पे मतलब ये धीरे धीरे करके ऐसे बन गया, मतलब यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा हो गई एंड इस टाइप का कुछ सरफेस बन गया। और पानी भी ऐसे घूम घूम के जा रहा है, अगर तुम देखोगे ना तो वहाँ से ऐसा आ रहा है फिर ऐसा, और टाइम टाइम पे जैसे कि पानी अपना मतलब डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसी कारण यहाँ पे इस टाइप का बन गया। जैसे यहाँ पे देखो आप, अभी पानी साइड से ऐसे जा रहा है, कुछ सालों बाद शायद कुछ और रहे, पानी भी अपने हिसाब से जगह देखता है। और ब्यूटीफुल भाई, अरुण बिल्कुल इंजॉय करता हुआ भाई। मेरा पैर वैसे कीचड़ में चले गया। हाँ तो कौन बोल रहा कीचड़ में जा, क्या बोले? अच्छा अच्छा, भाला फेंकेगा मेरे पे। हम पहुँच चुके हैं गवनी डांडा के बीच में जो ये तप्पड़ है, और लुक एट द व्यू, और वहाँ पे अगर आपको दिख रहे होंगे ना ऊपर पे दो खरक हैं भाई, दो खरक हैं वहाँ पे, खरक डांडा छनी। मतलब कि अभी कुछ टाइम बाद, दो तीन महीने बाद यहाँ पे लोग अपनी गाय भैंसों के साथ आ जाएंगे और गाय भैंसों को छोड़ देंगे और एकदम गाय भैंस यहाँ पे इंजॉय करेंगे। मज़ेदार जगह, मज़ेदार जगह। अभी हमारे बन रहे बर्गर्स, बन रहे पेटीज, वो जो होता है आलू की बोला, वो पेटीज बोलते हैं क्या उसको, पैटी, तो पैटी या फिर टिक्की बन रही है, फिर बर्गर, फिर प्याज, फिर निकल जाएंगे फिर। और फिलहाल ठंड हो गई, हमने कैंप इस साइड लगा दिया, छाव साइड, तो ठंड हो रही है यहाँ पे। भयंकर की, चलो कुछ तो मिला, भयंकर झूठ है चम्मच, सही इसको पलटा, इसको। हाँ नहीं चलेगा यार, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। चम्मच ला रहा देखो, अभी यहाँ पानी हो गया यार, चार को ठंडा हो गया भयंकर। आय हाय हाय, ये हो रखा गर्म हो रखा है। आह gone.